हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इज स्वरलिपी चैनल। आज की रेसिपी है नवाब पनीर। ये नवाब पनीर बहुत ही डिलीशियस एक डिश है। ये नवाब पनीर बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए झट से इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नवाब पनीर बनाने के लिए मुझे चाहिए पनीर। पनीर को मैंने ऐसे क्यूब पीसेस में कट कर लिया है। और मुझे चाहिए दही। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट के रखा है। मैंने यहाँ पे हाफ कप दही यूज़ किया है। और चाहिए ये है ब्लैक पेपर। टेस्ट टू आप ब्लैक पेपर यूज़ करिए। और मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले, कर्डमम, सिनेमन स्टिक्स एंड क्लोव्स। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा अनियन, एक छोटा सा अनियन को मैंने स्लाइस करके रखा है। और थोड़ा सा जिंजर लिया है, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और मुझे चाहिए काजू। काजू को मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो के रखा है। और ये है किशमिश, इसको भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है। और ये है पॉपी सीड। पॉपी सीड को भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है करीब एक घंटे के लिए। ये तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी। और मुझे चाहिए कावड़ा वाटर। और मैं यहाँ पे एक कप मिल्क यूज़ करूँगी और सॉल्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं इस दही को फेंट लूँगी। और उसके अंदर मैं वो जो काजू का पीसेस मैंने करके रखा था, वो काजू का पीसेस मैं दे दूँगी। ये वाटर मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। और इसके अंदर डाल देंगे ये किशमिश एंड पॉपी सीड। पॉपी सीड में जितना पानी है वो मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही पानी है। फिर अच्छी तरह से दही के साथ हम इसको मिला देंगे। फिर इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर में थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही पेस्ट बना लेंगे। और इस अनियन एंड जिंजर को भी मैं पेस्ट बना लूँगी। मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर वन टेबल स्पून घी और ऑयल मैंने यूज़ किया है। आप पूरा घी में भी बना सकते हैं और पूरा ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं दोनों मिक्स करके बनाया है। और ये जो खड़े गरम मसाले हैं उसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। तब तक ये ऑयल गरम हो चुका है। अभी उसके अंदर हम वो गरम मसाले को कूट के उसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही कूट लिया है। फिर अच्छी तरह से इसको इस ऑयल में मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक इसे अच्छी खुशबू ना आ जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे वो अनियन एंड जिंजर पेस्ट। फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और इस अनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और जो रॉ फ्लेवर है वो चला ना जाए। और ये रेसिपी आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए ये अनियन का कलर चेंज हो चुका है और थोड़ा ड्राई भी हो चुका है। अभी इसके अंदर हम वो काजू, किशमिश एंड पॉपी सीड का जो मैंने पेस्ट बनाया था, दही मिला के उसका डालेंगे उस पेस्ट को। देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा काजू अभी भी दिख रहा है। उससे क्या होगा, इसमें खाने के टाइम पे वो काजू मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा काजू ऐसे ही रख दिया था। फिर अच्छी तरह से हम उसको अनियन पेस्ट के साथ मिला देंगे। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे वो ब्लैक पेपर पाउडर। जितना आप तीखा खाते हैं उतना आप डालिए, क्योंकि ये ब्लैक पेपर से ही जो तीखा होगा वही हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई मिर्ची विर्ची नहीं आएगा तो इस पेपर का ही खुशबू आएगा। अभी देखिए मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप मिल्क, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये जब तक बबल ना आ जाए तब तक मैं इसको
बॉयल करूंगी। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा टेस्ट टू सॉल्ट। फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। और ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। देखिए अराउंड 1 मिनट के बाद बहुत ही अच्छी तरह से बबल आ चुका है। मैं 1 स्पून कैवरा वाटर लेके इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अंदर हम डालेंगे वो पनीर। अभी इसके अंदर हम पनीर पीसेस डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। मेरा ये पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हम इसका इस पैन का ढक्कन लगा के अराउंड 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको हम बॉईल कर लेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद देखिए कितना अच्छा बबल आ चुका है। बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक सर्विंग बोल लेके मैं इसको सर्व कर दूंगी। ये आप नान के साथ, बटर नान के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक खुशबू आ रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप ये रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर भेजिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक बिग लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए कि कभी भी मैं कोई भी रेसिपी आप करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।